हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल मौजूद हूं मैं लघु सचिवालय भिवानी के अंदर और हम बातचीत करने के लिए यहां पे आए हैं कि जो कॉमेडियन हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर एक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, राजेंद्र की कॉमेडी अच्छी तरीके से पूरे हरियाणा की संस्कृति को बनाए रखते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वो इसके लिए अपने कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और वो अभी फ़िलहाल एसएसपी के पास में अपनी एप्लीकेशन देने के लिए गए हुए हैं। तो उनसे एक छोटी सी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला पूरा हुआ है और किस वजह से, क्योंकि हरियाणा की संस्कृति के अंदर अगर कलाकारों के साथ में ऐसा कुछ होता है तो आम नागरिक जो है वो बिल्कुल कैसे रहता होगा। एक बताया जा रहा है कि किसी पुलिस थाने के अंदर वो गए हुए थे किसी पंचायती मामले के अंदर, लेकिन वहाँ पे किसी एसएचओ के द्वारा उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया है। तो उन्हीं से जानेंगे कि क्या बातचीत हुई। इंद्र भाई, हमने और जानना है तो आप देखिए कभी कोर्ट में खड़े हो कि शाके काम हो गया कोर्ट में किस तरह है भाई? मेरे को एसएसपी साहब ने बुलाया था। अच्छा, क्या मामला था? और एक गाँव का मामला था, 6 तारीख को जमीनी विवाद। तो वहाँ पर मैं गया तो बाइक से नीचे उतरा तो आँख में कुछ मच्छर वच्छर था, तो मैं जो एसएचओ बैठे थे उससे लगभग 12-13 मीटर मेरी मत कैसे हुई और ये बात करके उसने मेरे को गाड़ी का दोष कराया। कौन से थाने का एसएचओ था? एसएचओ उसका नाम संदीप बताया गया। मतलब कौन से थाने से? भवानी खेड़ा थाने से। अच्छा जी, किस मामले में गए थे सर? कोई ज़मीनी विवाद था उसका, मतलब छोड़ जेड़ा खातर बुला ले है ना, गाँव का मामला था, बुला ले हैं भाई सब आ जाओ, बड़े छोटे थोड़े पंचायती आदमियों ने बुला ले हैं, बात करें। अभी फिलहाल एसएसपी साहब ने बुलाया था आपको? हाँ, एसएसपी साहब ने बुलाया, उसने मेरे साथ गाड़ी गलौज करी और मैंने उसको ये पूछा कि मेरे से गलती क्यों हुई है, तो जितना पूछूं उतना उसने मतलब गाड़ी गलौज करना तेज कर दिया और मतलब ऐसे पोजिशन कर दी कि भाई बस तने भीतर आगे बोल गया ठगे तोड़ांगे। और जो मौजूद लोग थे उन्होंने बोला कि साहब ये कलाकार है और इसने गलती भी नहीं करी। और वो बोला भाई कलाकार हैं तो फिर बोला कलाकार को तो हम बोला भीतर गिर के तोड़िया करा फंस दिए बोला। तो इसी मतलब लैंग्वेज इस्तेमाल करी, गाड़ी गलौज कराया उसने मेरे साथ। तो फिर एक रणवीर डीएसपी साहब हैं गुड़गावा, कंट्रोल रूम में फ़ोन किया उसी समय, माजी ऐसे ऐसे एक एसएचओ साहब हैं अरे भवानी खेड़ा, वो बिना किसी वजह के मेरे पीछे पड़ गए, गाड़ी गलौज कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला कि फ़ोन पर बात करा मेरी, तो जो गांव वाले थे वो बोले छोड़ो यार, क्यों मुद्दा बढ़ाओ है, ये एसएचओ है और क्यों समस्या पैदा हो जाएगी भाई, हमारे मामले में भी वो गड़बड़ कर देगा। तो फिर मैं चला गया, फिर मैंने बाद में मतलब, आपने क्या कानूनी कार्रवाई की जी? आपने दरख्वास्त दी? हाँ, मैंने दरख्वास्त दी अनिल विज साहब के पास सेंड करी और एसपी साहब के पास। अभी एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने बोला पहले पूरी बात पूछी तो मैंने बताया साहब ये बात है, तो वो बोले ठीक है उससे हम मतलब बात करेंगे और जैसे ही उसकी गलती हुई तो ज़रूर मतलब कार्रवाई कराएंगे, ये बोल जाएंगे। अच्छा जी, और आप क्या कार्रवाई चाहना क्या करवा कार्रवाई करवाना चाहते हो? देखो, एक मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं कहीं जाऊँ हूँ तो कोई मेरे को बेइज्जत नहीं कर सकता। और ये तो ये जो स्टाफ है ये तो मतलब कानून का जानकार है, तो इन मतलब ऐसे बेइज्जत ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल। मतलब तो एक बात और पूछना, गाड़ी गलौज हरियाणा की संस्कृति है और हरियाणा की संस्कृति के अंदर आप हास्य कलाकार हैं तो पूरी हरियाणा की जनता ही नहीं बाहर के लोग भी देखते हैं, तो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है तो आम नागरिक को इस तरीके से मतलब इस चीज़ को सह नहीं सकता, तो प्रशासन को आप इस चीज़ के अंदर क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रशासन को तो इस बात का पता है कि मतलब सबके साथ, आम आदमी को भी मालूम है कि भाई देखो थाना में तो डाट डबट ये लगे हैं और इसको तो मैं भी सहन कर जाता, तो वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया उसने, मतलब गाड़ी गलौच। उसको बताया गया कि भाई ये कलाकार है, थोड़े सम्मानित आदमी हैं, तो सब कुछ बताया गया, बाद में भी मतलब उसने मतलब ऐसे कार्रवाई की, तो ये तो आम आदमी को तो मतलब आप समझोगे उसको उठा के बिना किसी कारण ये लठा तय तोड़ भी सके हैं तो भी कोई दिक्कत को नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा? देखो, अभी तक तो विश्वास है। देखो, मेरे को तो बड़ा मतलब धोखा लगा कि हरियाणा में मतलब अभी तो अपने देखो हर स्टेट में, ज़्यादातर स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री है, इतनी विकसित कर रखी है, इतना मतलब सरकार ऊपर उठाती है,
और ये क्या करते हैं, ये मतलब कलाकारों कैसे बेइज्जत करते हैं, तो ये सरकार की कमी है कुछ तो। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि SHO साहब की जो पूरी बातें जो हैं वो राजेंद्र भाई साहब ने बताई हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं? अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।